नमस्कार, मैं हूं सैयद चांदना और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। Thank you.
अखबार 24 नंबर, कवर 24। फिल्मों के माध्यम से बहुत देखा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तब तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पूरे जोश में आ चुके होंगे। यस। और शुक्रिया अजय जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर प्रशांत जी, एंड इट वाज सच अ प्लेजर मीटिंग यू गवर्नमेंट मैन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। ऑलमोस्ट एक शुरुआत मैचेस के बाद आप ही की फिल्म से हुई थी, तो बहुत खुशी हुई आज आपसे मिलकर। और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने ये पूरा जो आप लोगों ने ये मार्च किया बच्चों ने इस कॉज के लिए, बहुत अच्छा लगा था देखते। मैं काफ़ी सब सब कुछ कह ही चुके हैं, मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग काफ़ी हैं। अब जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे इस फंक्शन के बाद, जैसे जैसे आप अपने दोस्तों को बताएंगे आप क्या करके आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कॉज और आगे और जोरों से बढ़ेगी। I think you just need to spread it. I think you have your big strength yourself. And thank you for having me over. Thank you. 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 Good morning. Namaskar. Again, thank you. Or Pradhan ji, thank you. Itne acche cause ke liye mera samarthan hamesha hamesha aapke saath rahega. I always feel कि बच्चे हमें ज़्यादा सिखाते हैं, ना कि हम बच्चों को सिखाते हैं। और ये चीज़ आज साबित हुई, इतने सारे बच्चों को देखकर, फॉर अ वेरी इम्पोर्टेंट कॉज टू सेव द एनवायरनमेंट। वाकई हम एक ऐसी दुनिया छोड़ जा रहे हैं बच्चों के लिए जो कुदरत हमें कभी माफ नहीं कर सकेगी। ये जागरूकता जो बच्चों के अंदर आज है वो इस बात की गवाह है कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे पर्यावरण को बचाएं, एक बदलाव लाएं, जहाँ पर हम जैसे अशोक जी ने कहा वृक्ष नदी पहाड़ सबको बचाने की ज़रूरत है। The environment today is dying and all you children are aware of the glacier melting. All of you are aware of
the mountains being broken. And I hope सारे बच्चे सिर्फ स्कूल की छुट्टी मनाने के हिसाब से यहाँ पर नहीं आए, बल्कि वाकई एनवायरनमेंट के लिए आए हैं. So I'm sure you're going to take back to your parents, to your brothers, sisters, to your friends, everyone around you to save the trees. Because we as children, जब हम बच्चे थे, तब हम पेड़ों पे चढ़ते थे, उसकी छाया में बैठ के आराम करते थे, पिकनिक मनाते थे, नदी में जाके नहाते थे. अब ये सब चीज अगर हम नहीं बचाए तो आप लोग इसका मजा नहीं उठा पाएंगे, राइट? यू ऑल नीड टू लव योर एनवायरनमेंट, टू लव द ट्रीज, टू लव द रिवर्स, टू लव द माउंटेन्स. वेयर कैन यू गो ऑन अ हॉलिडे इफ यू डोंट हैव द माउंटेन्स? यू कांट गो फॉर अ वेकेशन, राइट? यू कांट गो टू द बीच टू एंजॉय. यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय इन द गार्डन्स, इन द फॉरेस्ट, ईट गुड फ्रूट्स, सी सो मेनी एनिमल्स. So it's so important to save the nature, and I'm sure all you children are going to do that. You all are going to be the face of saving the nature, the face of saving the environment. Ajay ji, thank you so much. आपने बच्चों को इतना प्रोत्साहित किया है कि ये आगे जाकर at least जहाँ इनकी पहुँच है वहाँ सब लोगों को यही बताएंगे कि environment को बचाना चाहिए. So three cheers to all. A big round of applause for all the children over here. Thank you so much. Thank you. Thank you. जो हमको जान देता है, जीवन देता है. अभी बोले ऐसी शख्सियत है कि रात के तीन बजे भी उनको बोला आपने के लिए बात की है, तो रुके नहीं. नहीं, अब सब लोग. जिस तरह से अजय कौल एक गिफ्ट ऑफ गॉड है, उसी तरीके से हमारे पास जो कुदरत ने हमें दे दिए, पेड़ पौधे, नदी, समुद्र, पहाड़, लेक्स, कुएं, ये सब हम लोगों को कुदरत ने दे दिए बिना किसी मतलब के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के और बिना किसी टैक्सेस के. जब ये सारी चीजें कुदरत ने हमको दी है तो हमें कोई हक नहीं होता कि हम इसका एक भी पत्ता तोड़े या एक भी फूल तोड़े. ये हमारी जायदाद है, ये हमारी धरोहर है. कृपया करके जिस तरीके से आगे ने यह शुरुआत की है, एक एक पेड़ पौधे को बचा के रखने की कोशिश कर रही है. हम लोग चीख चीख के थके, हम लोग झिला झिला के थके, और इसको अगर कोई बचा सकता है तो वो बच्चे ही बचा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को कदर है सारी चीज की. बड़े जो है ना वो भी सटिया है, इनको इनको समझ नहीं है, समझ नहीं कि हमें क्या हुआ. आपने देखा ना दो दिन क्या हुआ, पूरा शहर पानी का डर था. क्यों था? क्योंकि हमारे शहर में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में अगर किसी की बेइज्जती होती है तो वो कुदरत की बेइज्जती होती है, वो एनवायरमेंट की बेइज्जती होती है. उठा उठा के हमें उन्हें पेड़ भेज दिए, उठा उठा के हमें नदियां खड़ी कर दी. इनमें से किसने बनाई वो दीवार? डरो उसको अंदर, चलो उसको ठेल में, तब जाके हमारी जाने बचेंगी, नहीं तो जान बचने वाली नहीं है. शुक्रगुजार है और तहे दिल से शुक्रगुजार है. ये योर ब्लेस्ड चाइल्ड, योर पेरेंट्स हैव ब्लेस्ड यू, यू हैव अ डायनामिक सिस्टर इन यू. शबनम कपूर एक अपने आप में ताकत है, खिलाफ है ये अपने आप में ताकत है. अजय कौल के पीछे कहा जा रहा है कि औरत की ताकत होती है. अजय कौल के पीछे उसकी बहन शबनम कपूर की जो ताकत है उसको कोई हिला नहीं सकता. सब जो मंच पे बैठे हैं उन सबको नमस्कार, और जो हमारे सामने हमारे खास लोग बैठे हैं आप सबको बहुत बहुत प्यार.
मैं यहाँ एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं कहूँगी क्योंकि ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे वक्ता बोल चुके हैं, लेकिन मुझे एक इंसान के बारे में ज़रूर कहना है और वो है मेरे गुरु अजय सर। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि वो अच्छे काम हमेशा करते हैं। 2005 से मैं देख रही हूँ उनको, तब से मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई जब फ्लड्स आए थे, तब से लेकर कोई भी मुद्दा हो सोसाइटी में, कोई भी अच्छी बात या अच्छा काम करना हो, सबसे पहले वो आगे आते हैं। और मैं उनको अपने अपना गुरु इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं इन्हीं के कॉलेज में पढ़कर आज एक्टर के बावजूद एडवोकेट भी बन गई हूँ। पूरी 5 साल की पढ़ाई मैंने इनके कॉलेज में की और मैं वहाँ से मैंने अपनी LLB की डिग्री हासिल की। लेकिन मैं इनके बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि ये ऐसे इंसान हैं, मैंने इनको 2005 से जब भी अप्रोच किया किसी भी तकलीफ में, किसी भी बच्चे के एडमिशन के लिए, किसी बच्चे के जो फीस नहीं भर सकते उसको इसकी फीस कम करने की, उन्होंने हमेशा हमेशा मदद की है। एंड अजय सर, आप जैसे लोग रहेंगे और आप जैसे बच्चे रहेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि एनवायरनमेंट बचा रहेगा, हमारे देश का माहौल बचा रहेगा। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ पेड़ पौधों को काटना पड़ता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन उनको उनके एवज में हमको कहीं और एक पेड़ लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसे कोई पेड़ हो जो किसी के ऊपर गिरने वाले हो, उसको तो ट्रिम करना ही पड़ता है, लेकिन फिर लोग कहेंगे अरे ट्रिम क्यों किया, अरे कोई गिर जाएगा उसके ऊपर, गिर जाएगा मर जाएगा, उससे अच्छा है कि पेड़ ट्रिम करके हम 10 पेड़ और उसकी जगह लगाएं। Am I right? So that is how it should be. And thank you so much Ajay sir for calling me here. Thank you so much all of you for giving your time. And it's wonderful to be here. All the best and God bless you. कारण यह है कि इंसान की सादगी, इंसान की मानवता, छोटे बच्चों के सामने छोटे बच्चे जैसे हो जाते हैं, जो भी उम्र का इंसान उनसे मिले बस उसी में भूल जाते हैं, उसके अपने हो जाते हैं, उसको अपना बना लेते हैं। ये इंसान में एक खूबी है, मैं भी उनके प्यार में गिर गया। अशोक जी ने पर्यावरण के बारे में पूरी बात बताई। एक शिक्षक होने के नाते, विश्वविद्यालय का अधिकारी होने के नाते, पर ऐसा कहा जाता है कि समाज को अगर बदलना है तो वो शिक्षण व्यवस्था ही है जो समाज को बदल सकती है। तो इसलिए हमारे विश्वविद्यालय का भी कुछ उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, इन्होंने अपनी स्कीम्स दी है टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, मगर हम दर साल हर वक्त राष्ट्रीय सेवा योजना जिसे हम NSS कहते हैं उसकी मात्र NSS के वॉलंटियर शायद यहाँ होंगे, कृपया आप आगे हो जाएगा के बाद में जब हम भूल जाते हैं तो अपने आप से हम धोखा नहीं करते। जब प्रमाण हमें छोटे मुलांस जन्म दिल्ली संगोपन करते, माता मोटा प्रेमा ने त्याला सांभाळते, त्याचा पालन पोषण करते, त्याप्रमाणे एखादं वृक्ष लावल्यानंतर, एखादं रोपटं लावल्यानंतर जोपर्यंत त्याचं वृक्षामध्ये होत नाही त्याचं बालसंगोपन करण्याची जबाबदारी खऱ्या अर्थानं तुमच्या आमच्यावर आहे। आणि आजच्या रॅलीच्या माध्यमातून दिस इज माय कन्व्हिक्शन दॅट वी आर गोइंग टू सर्व आवर पीपल्स। आपलं उद्दिष्ट जे आहे, आपला हेतू जो आहे, हा हेतू सफल होणार आहे। अशोकजींनी सांगितलं की पहाडं ही तुटत आहे, त्याचं कारण वैज्ञानिक कारण तुम्हाला माहिती आहे, यू नो द सायंटिफिक रिझन, कारण की वृक्षांची जी सरेआम कत्तल झालेली आहे, त्याच्यामुळे झाडांचा झाडांच्या मुळांचा जो गुणधर्म असतो ते सगळे छोटे मुलं जाणतात।
कि जमीन जी असते माती जी असते त्याला ढोंडे जे असतात त्यांना तो घट्ट पकडून ठेवतो आणि झाडांची कत्तल झाली त्याच्यामुळे तुम्हाला पुस्तकात लँडस्लाइड ज्याला म्हणतो आपण ते होताना दिसत आहे त्या भिंती मारायला भेटणं गेली भिंत भिंत त्याच्या आजूबाजूला झाड असतील भिंत पाहिजे नसते लक्षात म्हणून वृक्ष लावण्यासोबत वृक्षाचं संवर्धन करा त्याचं संगोपन करा वृक्षांच्या लागवडी मागे आणि वृक्षांच्या संवर्धनामागे एक मायथॉलॉजिकल बेस देखील आहे. नमस्ते गुड मॉर्निंग टू ऑल. देखिए 5 महीने पहले की बात है मुंबई में शायद मैं नया था शायद इसलिए कहा कि मुंबई में जैसे लोग आते हैं जाते हैं इसके पहले मैं भी आता था जाता था मगर अभी मुंबई में हमेशा के लिए 5 महीने पहले मैं आया हूँ इसलिए मैंने शायद लफ्ज इस्तेमाल किया. सही मायने में एक इंसान से मुलाकात हुई विश्वविद्यालय का कुलसचिव होने के नाते अभी 7 जिलों में मुंबई विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो 7 जिले आते हैं उसका ऑलमोस्ट 800 कॉलेजेस जो अफिलिएटेड कॉलेजेस है उनमें हमारा एक ही एरिया में स्थित क्लारस कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी है. इनका संचालन जो करते हैं पूरी शैक्षणिक संस्था का अजय जी से मुलाकात हुई एक बार हुई दूसरी बार हुई ये बार बार धरे लगे बात नहीं न जाने मुझे ऐसा कुछ लगा कि इस इंसान में एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि अपने आप में अगले वाला इंसान कितना भी प्रभावी क्यों न हो अजय जी की ओर खींचे चला आता है खींचे चला आता है. Wonderful. Or this kind of initiative should be taken up in every school. I must say though कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे ज़्यादा जागरूक हैं. They all know environment के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. And people like Ajay sir who do this kind of social activities and social encouragement is very important that other people also follow suit. And ma'am कल जिस तरह से बारिश हुई मुंबई में आप क्या कहना चाहिए इतना water logging हुआ पूरे मुंबई में कम समय में ज़्यादा बारिश होना. पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ ये नेचर जो बना है ये इंसान जो भगवान की सबसे उच्च भगवान की सबसे उच्च या समझे वो सबसे प्यारी क्रिएशन के लिए बना है नेचर ताकि वो इंसान को सस्टेन करे. तो आप देखिए कल इतनी बारिश हुई और आज ये वृक्षारोपण के लिए जो फंक्शन है उसमें बिल्कुल बारिश नहीं है. तो आप सोचिए कि नेचर भी हमारे साथ कैसे अगर हम अच्छा काम करें तो कैसे हमारे साथ रहता है. रहा सवाल मुंबई की हालत का ये बहुत शर्म की बात है. मैं पिछले 32 साल से मुंबई में हूँ और 32 साल से मैं हमेशा ये सुनती हूँ कि वी आर प्रिपेयर्ड रेन्स आएंगे तो हम ठीक ठाक उसको हैंडल कर पाएंगे. हर साल यही होता है. आई थिंक इट्स वी हैव टू रियली लुक एट दिस डेवलपमेंट दैट इज़ हैपनिंग एवरी टाइम. ब्रिमस्टोवाड का काम जो ख़त्म नहीं होता है जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम ख़त्म नहीं होता है डिसिल्टिंग ख़त्म नहीं होता है टाइम पे. हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स ही इतने लेट देते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर ख़त्म नहीं कर पाते. सो ये सब फर्जी वगैरह जो है ये ख़त्म करना चाहिए. वी शुड नाउ टेक सीरियस एक्शन. आई थिंक पीपल शुड एक्चुअली प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस बिकॉज वी पे आर टैक्सेज. हम लोग मुंबई ऐसा शहर है जो सबसे ज़्यादा टैक्स मुंबई से जाती है लेकिन उसके बावजूद भी हमको इस तरह के कंडीशन मिलते हैं. आज देखिए एक आम इंसान को ट्रेन से सफ़र करना पड़ता है. मैं भी आम इंसान हूँ. मैं भी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ मैं भी ट्रेन से ही जाती हूँ लेकिन आज वो पैरालाइज हो गए लेकिन उनको ऑफिस तो पहुँचना ही है किसी तरह से. सो हाउ डज द गवर्नमेंट और हाउ डज द सिस्टम एक्सपेक्ट द नॉर्मल पर्सन टू यू नो फंक्शन देयर लाइफ इफ दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. ओके मैम एक्टर से एडवोकेट कितना मुश्किल है क्या मतलब क्या चेंज हुई है लाइफ और थोड़ा मुझे वो बताएगा. तो ऐसा नहीं कि मैंने एक्टिंग छोड़ दिया है लेकिन ऐसा है कि अब हमारे उम्र के लिए रोल्स कम लिखे जाते हैं. तो मैं पिछले 32 ईयर से सोशल वर्क कर रही हूँ और सोशल वर्क के दौरान मुझे ऐसा लगता था कि भाई आई नीड सम मोर पावर तो मैं पॉलिटिक्स में चली गई जो बहुत बड़ी गलती थी मेरी. अब पॉलिटिक्स से अब निकल गई हूँ 5 साल हो गए और उसी 5 साल में मैंने लॉ की डिग्री हासिल की और इसीलिए किया ताकि मैं सोशल वर्क आगे बढ़ाऊँ. अभी मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ ह्यूमन राइट्स में बिकॉज आई एम अ सोशल वर्कर
by passion, and my bread and butter is acting. But now I am trying to, you know, shift focus towards advocacy. And देखो क्या होता है, लंबा सफर है, लेकिन लंबे सफर से हम कभी डरे नहीं. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.